नॉलेज शेयरिंग या नॉलेज के यूज़ का जो फंक्शन है किसी भी नॉलेज मैनेजमेंट के साइकिल में उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया टेक्नोलॉजीज़ का उसको हम पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं अब ये क्या कंसेप्ट है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं आइए इस पर बात करते हैं अब क्या ताल्लुक़ है नॉलेज मैनेजमेंट का और फिर पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट का इसके बारे में ऑथर्स ये कहते हैं कि आने वाला दौर यानी फ्यूचर का जो दौर है उसमें जो नॉलेज मैनेजमेंट का फोकस है वो बढ़ जाएगा पर्सन के ऊपर जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर द फ्यूचर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट विल ब्लर बाउंड्रीज इंडिविजुअल ग्रुप और और कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कि इसमें जो इंडिविजुअल है जो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन है इनके दरमियान जो बाउंड्री है बड़ी किस्म की ये ब्लर हो जाएगी ये मदम पड़ जाएगी और इसके नतीजे में वो कह रहे हैं कि के एम विल बिकम हाउ वी इसमें हाउ वी कंडक्ट आवर एवरीडे बिजनेस लाइफ कि हमारी जो एवरीडे बिजनेस लाइफ हैं इंसानों की इंडिविजुअल्स की इसी के गिरद सारी बात घूमेगी नॉलेज मैनेजमेंट की और इसमें फिर कंसेप्ट आता है पर्सनलाइज नॉलेज मैनेजमेंट यानी पी के एम का इट विल गेन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस गिवन द एवर इंक्रीजिंग मोमेंटम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड दैट वी मस्ट डील विथ जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है इसका सबसे बड़ा शिकार जो है कि जिसके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो इंडिविजुअल है इंडिविजुअल के पास इन अबेंडेंस ऑफ ई आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं ऑनलाइन तो उनको हैंडल करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है तो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो आने वाले दौर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी अब इसकी डेफिनेशन क्या है पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट कहते किसको हैं मैनेजिंग एंड स्पोर्टिंग पर्सनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेसन सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल टू द इंडिविजुअल मेंटेनिंग नेटवर्क्स कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिटीज मेकिंग लाइफ ईजियर एंड मोर एंजॉयबल एंड एक्सप्लॉयटिंग पर्सनल कैपिटल कि इंसान के पास जो पर्सनली इंफॉर्मेशन आती है उसको वो कैसे मैनेज करता है ताकि अपने लिए आसानी पैदा करे और अपना जो नॉलेज कैपिटल है उसको सही तरीके से मेंटेन करे उसको प्रिजर्व करे और उस कैपिटल को फिर सही तरीके से इस्तेमाल करे ये सारी चीज़ें मिल के तो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट कहलाती हैं इसमें टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी शामिल हैं बा तो बड़ी कॉमन सी हैं और बाज कुछ स्पेसिफ़िक हैं अब जैसे ई है तो ई मेल का ताल्लुक जो है वो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के साथ इसके बाद पर्सनल ब्लॉग्स हैं कि इंसान जो चीज़ दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है जो इंफॉर्मेशन उसके लिए ब्लॉगिंग से मदद लेता है उसके बाद न्यूज़ एग्रीगेटर के सॉफ्टवेयर या एप्स हैं उनसे मदद लेके अपने लिए सिलेक्टेड न्यूज़ का इंतखाब करता है उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग के सॉफ्टवेयर हैं जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक मैसेंजर है या उसके अलावा और भी हैं इनकी मदद से एक इंसान दूसरे इंसान से रबता करता है अपनी वॉइस अपनी तस्वीर अपनी वीडियो या अपने टेक्स्ट के ज़रिए से अपना मैसेज दूसरे को देता और उसका मैसेज जो है वो रिसीव करता है इसके बाद विकीज़ हैं विकीज़ गो के ऑर्गेनाइजेशनल टूल है लेकिन इंडिविजुअल इसमें कलेबरेटिवली अपना अपना काम करते हैं और दूसरे के काम को देखते हैं और इसमें जो सबसे आखिरी मिसाल है वो है पर्सनल पोर्टल की कि पूरा एक इंडिविजुअल का इसको कंपेयर करें ज़रा ऑर्गेनाइजेशनल पोर्टल के साथ कि एक इंडिविजुअल अपना पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल पे अपने से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि उसने चाहे ख़ुद क्रिएट की हो या दूसरों के क्रिएट की हुई इन्फॉर्मेशन को जिसको वो अपनी ज़ात के लिए रेलिवेंट समझता है उस पोर्टल पे रखता है उसको वो खुद ही ऑर्गेनाइज़ करता है और दूसरों के लिए उस पोर्टल के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करता है तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एक पर्सनल नॉलेजमेंट एक पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं